सो व्हाट्स अप गाइस, क्या कर रहे हो? आपका स्वागत है एक और नई धमाकेदार ब्रांड न्यू तोड़फोड़ वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं खतरनाक चैलेंज। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, हम फिर से चैलेंज करेंगे क्या? फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। अरे यार, वो पहले वाला चैलेंज नहीं है, ये कुछ अलग चैलेंज है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, यार मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा था ताकि मुझे और भी ज्यादा पैसे उड़ाने को मिले। अरे यार, पैसे उड़ाने वाला नहीं है चैलेंज, ये पैसे कमाने वाला चैलेंज है जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। और देखेंगे यार, ये चैलेंज तू कंप्लीट कर सकता है कि नहीं। ओ तो ये भी चैलेंज मेरा है क्या? अरे हाँ हाँ, तेरा ही है चैलेंज और तेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ तो ये तो बताओ फिर मुझे क्या मिलेगा? अगर यार तूने ये सिंचन चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक वाली सुपर कार दूंगा, ठीक है? अगर तूने ना कर पाया ये चैलेंज कंप्लीट तो फिर यार तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी। यार पहले बार तो चलो मैं हार गया माना, लेकिन इस बार तो मैं ही जीतूंगा। मुझे ये तो बताओ चैलेंज क्या है, फिर बताऊंगा ना मैं आपको। हाँ तो फिर ये बताओ पनिशमेंट कौन सी रखें क्या? वैसे मिलने तो वाली नहीं, आप सोच सोच की परेशान हो रहे हो। अरे नहीं नहीं इस बार तो पनिशमेंट मिलेगी मेरे को लगता है। हाँ तो गाइस आपको क्या लगता है यार, पनिशमेंट मेरे को मिलेगी? अगर यार आपको कुछ भी लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हाँ यार, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्रैंकल भैया ये तो बताओ मेरे लिए पनिशमेंट कौन सी सोची है आपने? अरे यार पनिशमेंट ये है कि अगर हार गया तो तुम्हें आईब्रो अपने कट करवाने पड़ेंगे, ठीक है? अरे ये क्या बात कर रहे हो, फिर तुम्हें बहुत बदसूरत दिखूंगा। अरे वो तो तू ऐसे ही भी लगता है। और तेरे को चोप की टट्टी साफ करनी पड़ेगी। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, यार आप ऐसे काम खुद करते हो और ऐसे काम मेरे को करवाने लगे हो, यार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अरे यार फिर तो मैं चैलेंज नहीं दूंगा। हाँ तो फिर मैं एक शर्त पर ये चैलेंज कंप्लीट करूंगा। कौन सी शर्त है तेरी? हाँ तो शर्त मेरी ये रहेगी गाइस कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार लाइक भी कर देना इस वीडियो को, फिर मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। अरे हाँ गाइस यार कर दो इसका चैलेंज, वरना कंप्लीट नहीं होगा। हाँ तो मुझे चैलेंज में करना क्या होगा ये तो बताओ फ्रैंकलिन भैया। तुम्हें पैसे कमाने होंगे। अरे कैसे पैसे? तुम्हें मैं टाइम दूंगा, उस टाइम लिमिट में तुझे पैसे कमाने होंगे। अगर तूने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया फिर तो तू जीत जाएगा। ये 3 राउंड में सेट होगा। जो पहला राउंड होगा उसमें तू 5 मिनट में $10 कमाएगा। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये तो मैं बाएं हाथ से कर दूंगा। हाँ चलो वो तो देखेंगे ना हम, तू कैसे कंप्लीट करता है, इतना भी आसान नहीं होने वाला। और जो दूसरा राउंड होगा उसमें तेरे को कमाने होंगे $500। अरे 50 से सीधा $500 क्या? हाँ सीधा $500 और उसका टाइम होगा 10 मिनट में। और जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें तेरे को मिलेंगे 15 मिनट और उसमें तेरे को कमाने होंगे पूरे के पूरे $1,000। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ। चल आ जा फिर, हम चलते हैं और देखते हैं अगर तू क्या क्या करेगा आज। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो सोच लिया मैंने पैसे कैसे कमाने हैं। चलो देखते हैं यार कहाँ पर लेकर चलता है हमको सिंचन, और देखते हैं यार क्या ही करेगा ये अपने पैसे कमाने के लिए। हाँ तो गाइस यार एक मेरे पास बहुत ही जकास सा आइडिया है और इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम उससे पैसे कमा पाते हैं या नहीं। और गाइस ये भी मैं एक प्लान बना रहा था, जो भी मैं पैसे कमाऊंगा उसे फ्रैंकलिन भैया को रिश्वत देकर फ्रैंकलिन भैया से टट्टी साफ करवाई जाएगी। ऐसा कैसे हो जाएगा सिंचन? यार मैं थोड़ी ना करूंगा चैलेंज, तो तुम्हारा है पैसे तुम्हें मिलेंगे और टट्टी भी तू ही साफ करेगा। मानना $50 तू कमा लेगा और जो अगले वाले $500 और $1,000 वाली बात है ना, वो तो तेरे से नहीं होगी, ये तो मेरे को बिल्कुल सच्ची में पता है। हाँ तो गाइस देखते हैं हम क्या सकते हैं हम चैलेंज को कंप्लीट। अरे यार तू ठोके जा रहा है गाड़ी को बार बार, पता नहीं कहाँ पर घुमाए जा रहा है, कहीं पर जाए लेकर भी चलेगा या ऐसे ही घूमता रहेगा और टाइम अपना वेस्ट करता रहेगा। वैसे तेरे को पता है तेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। अरे क्या फ्रैंकलिन भैया यार, ये तो चीटिंग है ना। अरे चीटिंग वीटिंग कोई नहीं यार, तेरे को पता होना चाहिए यार तेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट का समय है अभी और तेरे पास अभी 4 मिनट बचे हैं। क्या फ्रैंकलिन भैया यार मजाक करते हो क्या? अरे मजाक वाली कौन सी बात यार, सही तो बोल रहा हूँ मैं। यार मैं भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो काम मेरा भीड़ में ही काम करेगा, वरना अगर मैं खुली जगह में करने लगा यार मैं तो फिर खाली ही बैठा रहूंगा और मेरी कोई अच्छी कमाई नहीं हो पाएगी। अरे ये बात है क्या? चलो देखते हैं तेरे पास कौन सा प्लान है। हाँ तो फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर कुछ प्लान ट्राई करें क्या? अरे हाँ हाँ चल देखते हैं क्या करते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर डांस करूंगा और देखते हैं कोई मैं पैसा देकर जाता है या नहीं। हाँ तो फ्रैंकलिन भैया गाना स्टार्ट कर दो। अरे यार गाना भी चलाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ फिर ही तो मजा आएगा नाचने में। चल ठीक है मैं गाना चलाता हूँ, तो ये ले गाना। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये लगता है मेरा प्लान नहीं काम करेगा।
हाँ तो तेरे पास अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, जिसे जल्दी जल्दी कर ला जो करेगा, नहीं तो तू हार जाएगा चैलेंज शुरुआत में ही। तो फ्रेंडली भैया मेरा लगता है फेवरेट गाना गाना ही पड़ेगा, जिससे लोग आ जाएं और मुझे पैसा दे जाएं। हाँ चल देखते हैं तो तेरा कौन सा गाना होगा। यार मैंने तो सोचा नहीं था इतने सारे लोग आ जाएंगे इसके गाना सुनने के लिए। हाँ तो फिर भी ये गाना गाऊं क्या? अरे हाँ यार गा, इतने सारे लोग आ गए अभी तो गाना तो बनता है, क्यों गाइस? हाँ तो सुनो फिर। पाद के आगे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ पाद के ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ पाद बिना मैं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ पाद बिना मैं कुछ नहीं, पाद न आए मेरा तो मुझे हो जाती है आफत, पाद आए तो सबकी हो जाती है आफत, पाद से करेंगे सबका स्वागत। मजा आया। अरे यार कोई तो पैसे दे दो अभी, इतना अच्छा गाना सुना दिया। अरे हाँ भाई यार तुमने गाना तो बहुत अच्छा सुनाया, मुझे तो मजा आ गया, मेरा दिन बन गया आज। हाँ यार तूने बहुत अच्छा गाना गाया। अरे हाँ बच्चे तूने तो बहुत अच्छा गाना गाया, मेरे को तो मजा आ गया। अरे मजे लेने वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो पैसा दे दो, अभी मैं ड्रम बजाए जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दे दो मेरे को, मैंने इतना अच्छा गाना जो सुनाया आपको। हाँ तो ये लो। अरे वाह थैंक यू दीदी, यार आपने यार मेरे को सच्ची में पैसे दे दिए। और गाइस यार आपको यकीन नहीं होगा मेरे को $100 मिल चुके हैं अभी, $50 लेने की जगह मुझे $100 मिल चुका, अभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार सुनचान ने तो सच्ची में ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया यार, इसे तो सिर्फ 50 आएगा और इसे को $100 मिल गया। तो ऑलराइट गाइस मैंने पैसे पूरे के पूरे उठा लिए $100, और मेरी तो आज दिहाड़ी भी बहुत अच्छी बन गई। हाँ यार सुनचान मैंने सोचा नहीं था यार तू इतनी जल्दी ये चैलेंज कंप्लीट कर लेगा इतनी आसानी से, और तुझे $50 की जगह $100 मिल गया अभी तो तू बहुत खुश होगा ना। क्यों गाइस आपको मजा आया तो यार जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैंने गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे हाँ यार गाना तो सच्ची में इसका बहुत झकास था, धुएंदार परफॉर्मेंस इसकी बोल सकते हो। हाँ तो फिर यार अगला चैलेंज है तेरे लिए पूरे के पूरे $500 कमाना, ठीक है? और तेरे पास अभी सिर्फ 10 मिनट है, वो तो तूने अपना चैलेंज पूरा टाइम पे टाइम खत्म किया, सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। अरे हाँ फ्रेंडली भैया मुझे मालूम है, वो तो इसलिए क्योंकि यार एक बार तो मैं फेल हो गया था, तो दूसरी बार ट्राई करने में थोड़ा टाइम तो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमें $100 तो मिल चुके हैं, तो चलो अभी $500 कमाने की तैयारी शुरू। हाँ तो गाइस यार मुझे कुछ आइडिया आ चुका है मेरे को $500 कमाने के लिए। क्या आइडिया आ चुका है तेरे पास? अरे यार मुझे टैक्सी चाहिए होगी, और उससे मैं कमा लूंगा पैसा, और टैक्सी वाले को बोलूंगा यार जितना भी मैं पैसा कमाऊंगा उससे आधा तुम रख लेना। अरे यार आधा रखने की बात कर रहा है तो तू क्या कमाएगा? अरे $500 है। हाँ तो वो फिर देखी जाएगी ना उसको पैसे देने भी है या नहीं, पहले तो हमें टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी। यार टैक्सी पास में से निकली भी थी, लेकिन यार मैंने सोचा नहीं था पहले क्या किया जाए, तो पहले सबसे पहले टैक्सी ढूंढते हैं। अरे हाँ यार टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए तो। अरे फ्रैंकल भैया मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और मेरे को टैक्सी तो दिख गई, और इसको चुराना पड़ेगा, और सबसे पहले टैक्सी वाले को रोकना पड़ेगा, और फिर हम टैक्सी में बैठ जाएंगे और चले जाएंगे। अरे उतर बे टैक्सी वाले। अरे यार ये तो रुका ही नहीं। अरे यार ये तो मेरे से लगता है प्लान फेल हो जाएगा ऐसे तो। अरे फ्रैंकल भैया मेरे को टैक्सी मिल गई, अभी जल्दी से आ जाओ टैक्सी में बैठ कर चलते हैं, और लगता है यार टैक्सी वाला भी टैक्सी में नहीं है, तो इसमें बैठ जाते हैं और टैक्सी में हम चलते हैं। ओके तो गाइस हमें पहला कस्टमर तो मिल चुका है, और देखते हैं यार हमें वो कितने पैसे देगा, अगर यार काम अच्छा लगा तो हमें टिप भी मिल सकती है, और इसका मतलब मुझे गाड़ी बहुत संभल कर चलानी पड़ेगी, जिससे यार वो टिप भी अच्छी खासी दे दे और मैं जल्दी से चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँ, और रकम भी काफी ज्यादा मोटी है, $500 कमाने हैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं, तो हमें यार बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा पहला कस्टमर, तो इसे बिठाते हैं अपनी कार में। अरे भैया जल्दी से बैठ जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। अरे हाँ बच्चा बैठ रहा हूँ यार, तेरे को लाइसेंस किसने दे दिया पहले ये बता मेरे को, और अरे यार धीरे धीरे चलाना मुझे स्पीड से डर लगता है। अरे फिक्र मत करो मैं ठोकता कम और चलाता ज्यादा हूँ, फ्रैंकलिन भैया तो ठोकते ज्यादा और चलाते कम है। अरे यार सिंचन तो मेरी बेइज्जती करेगा क्या? अरे बेइज्जती वाली बात नहीं है, जो सच्ची बात है वो तो सच्ची है ना। हाँ देख लिया ना तूने भी ठोक दी। अरे बच्चा संभाल के मैं डर रहा हूँ, तेरे को पता है पीछे। अरे डरने वाली क्या बात जब सिंचन है आपके साथ। अरे यार डरने वाली ही है बात जब सिंचन है हमारे साथ, क्योंकि सिंचन को गाड़ी तो अच्छी तरीके से चलानी नहीं आती, और पैसे कैसे कमाएगा। अगर यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार पिछली बार तो हमने 1.5 सारा पैसा कमाया था फ्रैंकलिन भैया से, बहुत मजा आया खर्च करने में भी। अगर यार आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, माय बटन में लिंक छोड़ दूंगा। अरे हाँ गाइस वो वीडियो तो बहुत जबरदस्त बनी थी और मजा भी बहुत आया था। हाँ तो गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं अपनी पहली लोकेशन पर, और देखते हैं कल हमारे पैसे कितने देते हैं हमको। अरे वो रहा पॉइंट यार, यहाँ पर रोक देते हैं कार को।
अरे यार ऐसे ही भाग गया, वो तो हमें पैसे देकर ही नहीं गया, तो यार इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे वो तो भाग गया ऐसे ही, अरे इसको तो पकड़ना पड़ेगा और मारना पड़ेगा और इसके सारे पैसे छीन लेने पड़ेंगे। अरे फ्रैंकल भैया जल्दी से आ जाओ, वो तो हमें छोड़कर भाग रहा है और हमारे पैसे भी नहीं दिए। अरे यार ये थोड़ी ना होता है, मैंने इतनी मेहनत से गाड़ी चलाई, अरे भागते कहाँ हो यार, यहाँ पर रुक जाओ। मैंने तो चैलेंज कम्प्लीट करना था और यार इसके सारे पैसे छीनने पड़ेंगे हमसे और यार इसको मारना पड़ेगा लगता है। अरे फ्रैंकल भैया जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ, अरे इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा गाइस। अरे यार तूने इतने सारे पैसे कमाए थे, उसने तो इन्हें हथियार नहीं लिया था। अरे हाँ फ्रैंकल भैया मैंने तो पिस्तौल ली थी। हाँ तो यार उसे शूट कर दे, अभी इतने पैसे है तेरे तो। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो सबसे पहले इसको शूट करता हूँ अपनी पिस्तौल से। अरे यार इसको ढूंढ कर इसको मारना पड़ेगा और फिर इससे सारे पैसे चुरा लेने पड़ेंगे। हाँ तो गई, ये तो मेरा परफेक्ट निशाना लग गया और लगता है यार फिर से नहीं उठेगा। और यार फिर से उठ गया। अरे यार मेरे को पैसे तो दे दिए इसने। और यार ये देखो यार, मैंने इसको डरा दिया और ये तो हैंड्स अप कर रहा है, लेकिन यार इसके पास देखते हैं पैसे कितने थे। इसने तो मुझे पूरे के पूरे पैसे दे दिए, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे को सिर्फ $150 दिए हैं, लेकिन इसके साथ मैं सारे पैसे लूंगा, इसको मार कर इसके सारे पैसे छीन लूंगा। अरे ये क्या हुआ यार फ्रैंकलिन, ये तो फोकट में मर गया, इसके पास तो कोई और पैसा ही नहीं है। अरे सिर्फ $150 था क्या इसके पास? अरे यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमारे 150 तो मिल चुके हैं और अगला हम कस्टमर ढूंढते हैं अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए और शायद यार उससे टिप भी मिल जाए। और ये तो कस्टमर हमारा बेकार ही निकला यार, ये रहा हमारा दूसरा कस्टमर। और यार इसके पास तो लगता है काफी ज्यादा पैसा होगा, वैसे ₹150 तो हमने कमा लिए हैं और आगे वाले पैसे देखते हैं यार कितने देता है ये। गाइस जल्दी से हम इनको छोड़ते हैं इनके रास्ते पर। और यार ये मैंने ठोक दी गाड़ी को। अरे यार बच्चा ऐसे मैं पैसे नहीं दूंगा। अरे यार पैसे नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा, जैसे हमने पहले कस्टमर को मारा था। अरे बच्चा क्या बोल रहा है तू, अरे मार देगा क्या मेरे को उतार दे यार, यही पर उतार दे। अरे अंकल नहीं ऐसे नहीं मारते, जो हमें पैसे नहीं ना देता उसको मार देते हैं हम। अरे यार मैं तो ऐसे बोल रहा था, पैसे तो मिल जाएंगे तुम्हें को। और यार इनकी डेस्टिनेशन भी काफी ज्यादा पास में ही है, तो लगता है इनसे यार टिप भी काफी ज्यादा अच्छी मिल सकती है। चलो देखते हैं कि मैं कितने पैसे मिलते हैं। अरे यार ये भी भाग गया यार, ऐसे तो नहीं होता, इनको भी मारना पड़ेगा। यार इसको हेडशॉट मार दिया। यार इसको मैंने बोला भी था अगर पैसे नहीं दोगे तो मरोगे ही ना। ओके तो गाइस हमें पूरी की पूरी टीम मिल गई है और हमारा फेयर भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके पास मुझे $600 मिल गए। अरे क्या बात कर रहे हैं, $600 थे क्या उसके पास? फिर ये पैसे क्यों नहीं दे रहा था? अरे मेरे को क्या पता, चलो ऐसा अच्छा ही हुआ, वैसे हमें पैसे मिल गए हमारे पूरे के पूरे। यार ये भी इसका चैलेंज कंप्लीट हो गया। यार अभी तो मुझे लगता है यार सिंचन सारे के सारे राउंड कंप्लीट कर लेगा। और यार वैसे तो यार देखा जाए इसको तो पैसे तो ज्यादा ही मिल रहे हैं इसको। चलो देखते हैं इसका अगला राउंड कैसा निकलता है। हाँ तो अगले राउंड के लिए तूने तो कुछ सोचा है क्या, क्या करेगा तू? $1000 कमाने हैं अभी तेरे को। हाँ फ्रैंक भी मैंने सोच लिया है, क्योंकि वो जो पैसे कमाने हैं वो तो मैं चुटकियों में कमा लूंगा। अरे वो कैसे? अरे यार बस मुझे एक मुकाबला करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं और। अरे और क्या कहना मतलब तेरा? अरे यहाँ पर मुकाबला होने वाला है, वहीं पर जाना पड़ेगा ना। अरे चल ठीक है फिर, देखते हैं यार क्या कर सकता है तू। 2 hours later. हाँ तो सिंचन तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गया? अरे फ्रैंकल भैया यहाँ पर तो मैं रेस करने के लिए आया हूँ, मुकाबला जो मैंने आपको बताया था। अरे कैसा मुकाबला? अरे फ्रैंकल भैया आपको नहीं पता क्या, ये हमारे दोनों लॉस सैंटोस के सबसे बड़े रेसर हैं, जो रेसे करते हैं और जो भी उनसे जीत जाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कितने बहुत सारे पैसे? अरे पूरे के पूरे $2000। अरे क्या बात कर रहा है, इनसे तू रेस करेगा जो कि लॉस सैंटोस के सबसे बड़े रेसर हैं? और नहीं तो क्या, आप करोगे रेस? क्या मैं ही करूंगा, फिर मैं जीत जाऊंगा आपसे चैलेंज और मुझे मिल जाएगी एक सुपर कार। हाँ तो तू किस कार से रेस करेगा? अरे वो रही हमारी सामने नीली पीली टैक्सी। अरे क्या, टैक्सी से कौन रेस करता है सिंचन, तू पागल हो गया क्या? और इसके पास देख रहे हो पूरी की पूरी सैंटोर है मॉडिफाइड, वो भी सुपर कार, तेरे पास टैक्सी, और टैक्सी से कौन रेस करता है यार, इसको समझाओ कोई। अरे बच्चा तुम्हारे से रेस करेगा क्या? पर नहीं तो अंकल मैं ही करूंगा, और फ्रैंकल भैया की शक्ल लग भी रही है कि रेस करने वाली। अरे यार तू मेरी बेइज्जती मारे जा रहा है, तेरे पास टाइम कितना कम बचा है, और तीसरा राउंड तो अभी स्टार्ट हो चुका है, तेरे पास अभी 15 मिनट है और उसको खत्म कर ले और जीत जा। तो ये बता पहले कौन रेस करेगा बे? अरे पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, और देखते हैं हम कौन जीत पाएगा यहां से। तो चलो गाइस यार मेरे को तो लगता है सिंचन पूरा का पूरा पागल हो गया, जो टैक्सी को सुपर कार से
बढ़ाने की बात कर रहा है। चलो देखते हैं ये जीत सकता है कि नहीं। हाँ तो मेरे साथ बच्चा तू चलेगा क्या? हाँ भैया मैं बैठ रहा हूँ ना आपके साथ और देखेंगे कौन ज्यादा दूर तक गाड़ी लेकर जाएगा। हाँ तो गाइस हम रिस्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अरे यार ये तो बहुत तेज कार है और यार पता नहीं यार मैं इससे जीत पाऊंगा कि नहीं। अरे बच्चा मैंने तो तुझे कहा था अपनी टैक्सी ले जा अपने घर पे। अरे यार ये तो बहुत तेज कार निकली और ये तो बहुत दूर तक भी आ गई। वो पता नहीं मैं दे सकता हूँ कि नहीं। अरे भाई साहब मेरी गाड़ी तो उल्टी हो गई बे। चलो कोई बात नहीं सीधी कर लेते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है इस गाड़ी में। हाँ तो गाइस ये तो बहुत ज्यादा दूर आ गई गाड़ी। हाँ तो फिर सिंचन बता कहाँ पर गई गाड़ी? ये तो बहुत ज्यादा दूर ले कर गाड़ी को और यार पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। चलो देखते हैं। हाँ तो चलो गाइस अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और देखते हैं हमारी टैक्सी ज्यादा दूर जा पाएगी कि नहीं। हाँ तो सिंचन यार कौन कौन जाएगा? अभी सारे जन बैठ जाओ मैं सभी को लेकर उड़ जाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है, चल बैठ जाते हैं तेरी टैक्सी में और देखते हैं तू उड़ा पाता है कि नहीं। अरे हाँ हाँ बैठ जाओ आप और देखते हैं हम यार कहाँ तक जा सकते हैं। अरे मोटे अंकल जल्दी करो क्या, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। हाँ तो गाइस चलो मैं चलता हूँ। अरे यार तू सोच भी कैसे सकता है सिंचन ये कार टैक्सी जीत जाएगी उस जेंटॉर्नो से। अरे फ्रेंक भैया देखते जाओ आप। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मैं जीतने वाला था, ये क्या हो गया मेरी टैक्सी के साथ? अरे नो गाइस यार यहाँ पर थी जेंटॉर्नो, यहाँ पर मेरी टैक्सी यार कितनी देर तक यार मैं ले आया था टैक्सी को। अरे बच्चों वैसे तूने जम तो बहुत शानदार करवाया लेकिन हमारे से तो नहीं जीत पाया ना। अरे अंकल क्या बात करते हो, बस थोड़ा सा फर्क रह गया था। हाँ तो सिंचन इसका ये मतलब थोड़ी ना तू जीत गया रेस को, अभी तू पूरा का पूरा चैलेंज हार गया और पनिशमेंट याद है ना तुझे क्या करवाना होगा? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरे नहीं करना वो सब। अरे यार वो तो तुम्हें कराना ही पड़ेगा। हाँ तो गाइस अभी सिंचन तो रेस हार चुका है, अगर आपको यार ये रेस अच्छी लगी और ये पूरा का पूरा चैलेंज अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस दिखा सकें आपको। और यार बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से। ओके तो गाइस हम चलते हैं अपने घर पे और देखते हैं यार सिंचन हमारा कैसा लगता है आईब्रोस कटवाने के बाद। ऑलराइट गाइस तो हम यार घर पे पहुंच चुके हैं और यार मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अरे यार सिंचन देखो कैसा लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरा क्या मजाक उड़ाते हो यार, मैंने चैलेंज हारा। चलो कोई बात नहीं, हार चुका तो कोई बात नहीं, वैसे पैसे तो मैंने अच्छे कमा लिए। कोई बात नहीं यार हमारे आईब्रोज आ जाएंगे एक दो दिन में और फिर हम पहले जैसे हो जाएंगे। हाँ तो यार तुझे दूसरा भी तो पनिशमेंट याद है ना, चौप की टट्टी, उसका क्या होगा? अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो यार आप कर लो ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज कुछ नहीं, जल्दी से टट्टी साफ करो अभी। हाँ तो गाइस उससे पहले यार हम अलविदा कर लेते हैं, फिर चौप की ये टट्टी साफ करेगा हमारा चैन। तो गाइस मिलते आपको ऐसी किसी और धमाकेदार बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय खत्म।